टीकमगढ़ के नए बस स्टैंड पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब दो पक्षों में विवाद को लेकर एक युवक ने कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर आरटीओ के बाहर कार्यरत दुकानदारों ने पीड़ित दुकानदार बंटी गोस्वामी के साथ थाना देहात पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिस पर थाना देहात ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए नामजद तीन आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों के पदाधिकारी थाना देहात पहुंचे। आरटीओ ऑफिस के पास हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बंटी गोस्वामी टीकमगढ़ के निवासी, जिनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है कि प्रवेश साहू, आजय साहू और राहुल ठाकुर द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर धारा 307 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है, संभवतः जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर ये बताया जा रहा राहुल सिंह ठाकुर ये पुराना अपराधी लिधौरा से हम संपर्क करके लिधौरा थाने संपर्क करके उसकी जानकारी मंगाएंगे, आपराधिक रिकॉर्ड है तो और सख्त कार्रवाई करेंगे। घटना का वीडियो वीडियो वायरल हम देखकर उसमें जो भी जानकारी है उसको उसके आधार पर और अगर कोई अन्य आरोपियों के नाम बढ़ाए जाते हैं तो उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी।